जो सत्य बातें हैं वह हमसे छिपाई जाती हैं। जिस प्रकार से गरुड़ पुराण जीवन आधारित है, परंतु इसे मनुष्य की मृत्यु के उपरांत शोक में पढ़ा जाता है, परंतु इसे नित नियम पढ़ने से जीवात्मा नानक प्रकार के सुख भोगती है। जो भी व्यक्ति गरुड़ पुराण का पाठ करेगा उसके जीवन में सुख ही सुख होगा, क्योंकि गरुड़ पुराण में आपकी आत्मा और आपके शरीर के बारे में सब कुछ बताया गया है। जैसे कि जब इंसान यह शरीर छोड़ता है तब उसके साथ क्या घटता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके प्राण, उनके मल मूत्र, उनके गुदा के रस्ते प्राण जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो संपूर्ण जीवन दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, गलत रास्ते से पैसा कमाते हैं, उनके प्राण उनके गुदा से निकलते हैं। जो संत महात्मा, ये नहीं है कि आप भगवा कपड़े पहन लेंगे तो संत हो जाएंगे। संत वह होता है जो दूसरे प्राणी को दुख में देखकर दुखी हो जाए, वही संत होता है। ऐसे व्यक्ति उनके प्राण उनके नाभि से निकलते हैं या उनके मुख से निकलते हैं। अब किस प्रकार से उनकी यात्रा आरंभ होती है? जब भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं। संपूर्ण जीवन मनुष्य ने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। यमराज उसे एक दिव्य दृष्टि देते हैं। वह देखता है कि उसने नानक प्रकार से किस प्रकार से सुख भोगे और सुख पाने के चक्कर में उसने अपना जीवन किस प्रकार से बर्बाद किया, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया और उसकी वजह से कितने लोगों को परेशानी हुई। अब वह बताना चाहता है अपने घर वालों को। उसके प्राण कंठ में अटके हुए हैं। वह रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि यमराज मुझे माफ कर दो, मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी। परंतु सामने खड़े यमदूत भयानक रूप में उनको देखकर वह कांपने लग जाता है। कांपते कांपते वह मलमूत्र त्याग करता है, उसी के रास्ते उसके प्राण निकल जाते हैं। यम उस आत्मा को घसीटते हुए लेकर जाते हैं। जो सज्जन, जो गुरुमुख व्यक्ति होते हैं उन्हें स्वयं यमराज रथ पर लेने आते हैं, और जो दुष्टाचारी व्यक्ति होते हैं उन्हें यमदूत घसीट कर ले जाते हैं। यह सब कुछ जीवात्मा देख रही होती है किस प्रकार से उसके साथ किया जा रहा है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, दिव्य आत्माएं नानक प्रकार के सुख इसी संसार में भोगती हैं और दुष्ट आत्माएं इसी संसार में रह के नरक भोगती हैं।